आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बची हुई रोटियों का आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग या तो उन्हें फेंक देते हैं या उन्हें आवारा जानवरों को खिलाते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग खाने को 12 घंटे से अधिक समय होने पर उसे मानते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बासी खाना खाने से आपको दस्त, फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और अन्य कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कम ही लोगों को इस बात का पता है कि बासी रोटी खाने से आपको नुकसान नहीं, फायदे होते हैं। जी हाँ, बासी रोटी खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने में मदद मिलती है। बासी रोटी के फायदों के साथ इसकी दिलचस्प बात यह है कि ये रेडी टू मेक फूड है, जैसे पोहा, ओट्स आदि से कहीं बेहतर। आइए आज हम जानते हैं कि क्यों बासी रोटी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दरअसल गेहूं के आटे से बनी बासी रोटी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और सोडियम की मात्रा कम होती है, जो इसे नाश्ते के लिए एकदम सही और स्वस्थ बनाता है। तो अब हम बासी रोटी के फायदों पर आते हैं। सबसे पहला है, ये डायबिटीज में मददगार है। जी हाँ, बासी रोटी खाने से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसलिए डायबिटीज रोगियों का बासी रोटी खाना बहुत फायदेमंद है। आप सुबह उठकर दूध के साथ बासी रोटी का सेवन करिए, आप देखिए कैसे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में होती है। अगला है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों में ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें दूध में लगभग आधे घंटे के लिए बासी रोटी को भिगोए रखना है और फिर इसका सेवन करना है। एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है। आप रात के खाने से बची रोटियों को नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे खाना बर्बाद होने से बचेगा। अगला है, शरीर के तापमान के लिए। किसी भी इंसान के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि ये 40 डिग्री से अधिक है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बासी रोटी खाने से आपके शरीर के तापमान को सामान्य करने में मदद मिलती है। बासी रोटी में मौजूद पोषक तत्व तापमान को सामान्य करते हैं और शरीर के तापमान को अधिक होने से रोकते हैं। बासी रोटी खाने से एसिडिटी भी नियंत्रित होती है, जो तापमान को नियंत्रित करती है। अगला है, बेहतर पाचन के लिए। यदि आप अक्सर पेट या पाचन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो आप बासी रोटी को उपाय के तौर पर आजमा सकते हैं। ये न केवल आपको अस्वस्थ कर खाने से रोकेगा, बल्कि एसिडिटी, अपच, कब्ज, गैस आदि पेट की बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। इसके लिए आप रात के खाने में दूध में भीगी हुई बासी रोटी खाएं। अब दोस्तों, एक छोटी सी सावधानी इसके लिए आपको रखनी है कि इस्तेमाल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि रोटी को साफ जगह पर रखा गया हो और उसे कोई दुर्गंध ना आ रही हो, क्योंकि खराब रोटी आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। बासी रोटी का सेवन सभी के लिए सही रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि ये व्यक्ति की पाचन क्षमताओं पर निर्भर करता है। वृद्ध लोगों की तुलना में युवाओं का पाचन तंत्र अच्छा और बेहतर होता है, इसलिए उनमें ये जल्दी काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।